थ्रेशोल्ड पॉइंट पार करते ही साथ एक बहुत अच्छा स्विंग बैंक निफ्टी में आया है और HDFC बैंक लेके आइएगा कुछ देर के लिए। HDFC बैंक स्क्रीन पर ह्यूज बाइंग और वो जो गोल्डन क्रॉसओवर का उसका इंपैक्ट देखिए 1687 पूरा शो जो हाईजैक कर रखा है इस वक्त HDFC बैंक ने कर रखा है। और अभी कुछ देर पहले नीरज जी में बात कर रहे थे रिलायंस और HDFC बैंक। HDFC बैंक अब इस वक्त कैलेंडर वर्ष 2023 के सेकेंड हाफ के हाईएस्ट क्लस्टर पे आने की तैयारी करता हुआ 2% ऊपर। रचना जी HDFC बैंक पे आपका टेक, पूरा का पूरा शो इस वक्त हाईजैक कर रखा है HDFC बैंक ने। जी बिल्कुल सही बात है आपकी, HDFC बैंक तो है ही बढ़िया मुंह दे रही है और साथ में ICICI बैंक भी अच्छा मुंह देने की कोशिश में लगा हुआ है। एंड यहाँ पे HDFC बैंक की अगर लेवल्स की बात करी जाए तो यहाँ पे 60 फ्यूचर्स के हिसाब से हम 1691 पे है एंड यहाँ पे बहुत जल्दी हम 1700 को क्रॉस करते हुए नजर आने चाहिए। ये काउंटर जब तक 1670 के ऊपर रहेगा तब तक ये काउंटर 1700 को क्रॉस करके 1710-20 की तरफ जाता हुआ है हमें विद इन पीरियड ऑफ डे और टू दिखना चाहिए। बिल्कुल याद रखिएगा, कल भी हम इस बात पे बात कर रहे थे क्लोजिंग में और अभी भी कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने का तर्क सुबह इसलिए नहीं था क्योंकि कल भी नहीं था, इनफैक्ट लॉन्ग काटना बात दूसरी थी, लेकिन HDFC बैंक ने एक अलग आई थिंक वाला इख्तियार कर रखा था इस बार। एक चार्ट पे इस बार HDFC बैंक के एक टिपिकल गोल्डन क्रॉसओवर है, सुबह बात भी की थी हमने दोपहर में भी और अभी भी कह रहे हैं, बहुत शानदार पैटर्न।